गुजरात के चार लोगों का एक परिवार था। परिवार में 35 वर्षीय जगदीश पटेल, उनकी 33 वर्षीय पत्नी वैशाली, उनकी 12 वर्षीय बेटी विहांगा और 3 वर्षीय बेटा धार्मिक शामिल थे। वे 3000 की आबादी वाले डिंगोचाक नाम के एक छोटे दूरदराज गांव के थे। वे जनवरी के दूसरे सप्ताह में गांव छोड़कर कनाडा चले गए। उनका उद्देश्य अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करना था, क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था। वे इसके लिए बेताब थे। हालांकि एक चौंका देने वाली घटना में अमेरिका कनाडा सीमा पर पूरा परिवार ठंड में जमकर मर गया। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। परिवार कनाडा में एमर्सन मैनिटोबा में उतरा। उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में सीमा पार करने में मदद करने के लिए तस्करों को पैसे दिए, क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था। समूह को नए शीतकालीन कोट, दस्ताने, स्की मास्क और जूते दिए गए, जो सभी काले रंग के थे। चार लोगों का परिवार गुजराती लोगों के एक अन्य समूह के साथ था। उनमें से कोई भी अंग्रेजी में बोलना नहीं जानता था। भले ही वे उस भाषा में बोलना नहीं जानते थे, वे बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। तस्करों ने समूह को अमेरिकी सीमा से कुछ दूरी पर छोड़ दिया। गुजराती लोगों को तब खुद ही सीमा तक पैदल चलना था। उन्होंने चलना शुरू किया। उस समय तापमान -35 डिग्री सेल्सियस था। तेज हवा चल रही थी, बहुत ठंड थी और उन्हें बर्फ की मोटी परत से गुजरना था। वे 11 घंटे तक चले और रात 9:30 बजे चलना शुरू किया था। सीमा पार करने के बाद कोई और उन्हें मिलता और मदद करता। अंधेरा होने के कारण चार लोगों का परिवार कहीं रास्ते में समूह से अलग हो गया। शेष समूह ने चलना जारी रखा और सफलतापूर्वक सीमा पार कर ली, लेकिन उन्हें अमेरिकी सीमा गश्ती अधिकारियों ने पकड़ लिया। हालांकि चार के परिवार की ठंड में मौत हो गई। भीषण ठंड में उनके खून का संचार बंद हो गया और वे ठंड में जमकर मर गए। कनाडा के अधिकारियों ने तब भारत सरकार को सूचित किया, जिन्होंने उनके परिवार को गांव में सूचित किया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि परिवार गरीब था और बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं था। वे एक बड़े सहायक परिवार से थे और संपन्न थे। पिता जगदीश पटेल एक शिक्षक के रूप में काम करते थे और एक खेत के मालिक थे। इसके बावजूद वे अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। दुख की बात है कि उनका निधन हो गया। अमेरिका और कनाडा के अधिकारी अब इस मामले की जांच कर रहे हैं और संदेह है कि लोगों को अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक बड़ा तस्करी रैकेट हो सकता है। पटेल परिवार के लिए एक ऑनलाइन प्रार्थना सेवा का आयोजन कनाडा में रहने वाले लगभग 250 गुजराती द्वारा किया गया था। इसका आयोजन हेमंत शाह ने कनाडा के विनिपेग मैनिटोबा में किया था।
उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी ठंड में चलने का फैसला किया। विनीपेग में अब जिस तरह का मौसम है, हम बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, ज़रूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। इतने ठंडे तापमान में उन्होंने जो दर्द अनुभव किया होगा, उसके बारे में सोच कर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।